हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका सभी ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेडमी मोबाइल में ऑटोमेटिकली चेंज वॉलपेपर सेटिंग कैसे करें। देख लीजिए, मैं अपने इस रेडमी के मोबाइल को लॉक करता हूं और मैं जब अनलॉक करने के लिए पावर बटन दबाऊंगा तो देख लीजिए अभी ये वॉलपेपर आ रहा है, और मैं फिर से लॉक करता हूँ और फिर मैं अनलॉक करने के लिए पावर बटन दबाऊंगा तो दूसरा वॉलपेपर आएगा। देख लीजिए, मैं दबा दिया तो यहाँ पर दूसरा वॉलपेपर आ रहा है। तो उसी तरह मैं फिर लॉक करता हूँ और फिर मैं पावर बटन दबाऊंगा अनलॉक करने के लिए तो फिर दूसरा वॉलपेपर आएगा। देख लीजिए, फिर दूसरा आ गया। तो इसी तरह यहाँ पर हर बार अलग अलग वॉलपेपर आता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस तरह से आप भी अपने रेडमी मोबाइल में कैसे सेटिंग करेंगे कि आपके भी रेडमी मोबाइल में ऑटोमेटिकली वॉलपेपर चेंज होते रहे लॉक करने पर। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं रेडमी मोबाइल में ऑटोमेटिकली चेंज वॉलपेपर सेटिंग कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल का नेट को ऑन कर लीजिए, और उसके बाद आप अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लीजिए। जैसे मैं सेटिंग ओपन कर लिया, और उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा वॉलपेपर क्रेशियल। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ एक ऑप्शन है टर्न ऑन, तो ये अगर जो आपके मोबाइल में ऑफ रहता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसको पहले ऑन कर लीजिए। जैसे मैं ऑन कर लिया, और उसके बाद सेकेंड में एक ऑप्शन मिल जाता है ग्लेंस इमेज कैटेगरीज, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करिए, और उसके बाद आप जिस जिस कैटेगरी का आप वॉलपेपर देखना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करिए। जैसे मैं स्पोर्ट्स वाला वॉलपेपर चाहता हूं कि मेरे लॉक स्क्रीन पर आते रहे, तो मैं यहां पर क्लिक करके इसको फॉलो कर लिया। तो जिस जिस टाइप का आपको चाहिए, जिस जिस कैटेगरी का चाहिए, आप उस कैटेगरी को आप फॉलो कर लीजिए, उसके बाद उस कैटेगरी का वॉलपेपर आपके मोबाइल के लॉक स्क्रीन पर आने लगेगा। तो देख लीजिए, इतना मैं कर लिया, और उसके बाद बैक हो जाते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है गैलरी फोटोज। अगर जो आप गैलरी वाला फोटो को भी आप चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन पर आए, तो आप यहाँ गैलरी फोटोज पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद अगर जो आपको परमिशन मांगता है तो अलाउ कर दीजिए। मैंने पहले से अलाउ कर दिया, तो यहाँ पर आपके गैलरी वाला फोटो दिखने लगेगा। तो आप चाहते हैं कि जो जो फोटो आपके दिखे लॉक स्क्रीन पर, तो आप उस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं दो चाहता हूं कि आए, तो दो को सेलेक्ट कर लिया, तो आप चार तक कर सकते हैं, तो जितना आपको करना है कर लीजिए। उसके बाद ऊपर साइड कोने में आप यहाँ टिक के आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद वो फोटो भी लॉक स्क्रीन पर आएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ गैलरी इमेज, आप इस पर क्लिक करिए, और इसमें आपको जो भी सेटिंग करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर तीन सेटिंग है, एक फर्स्ट में है एवरी टू इमेज, और एवरी थर्ड इमेज, और एवरी फोर्थ इमेज। तो जो भी आपको सेटिंग करना है आप कर लीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ चार फोटो तक करें सेट, तो मैं यहाँ एवरी फोर्थ इमेज पर क्लिक करके सिलेक्ट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है अपडेट वॉलपेपर्स यूजिंग मोबाइल डाटा, तो आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके ये सेटिंग को ऑन कर सकते हैं ताकि आपका वॉलपेपर अपडेट होते रहे, लेकिन इससे थोड़ा सा मोबाइल डाटा आपका ज़्यादा खर्च हो सकता है। तो आप इसको ऑन करना चाहे तो ऑन भी कर सकते हैं, या नहीं ऑन करना चाहे तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो इतना सेटिंग कर लीजिए, और उसके बाद आप कट करके होम स्क्रीन पर आ जाइए, और उसके बाद आप अपने मोबाइल को लॉक करिए, और अनलॉक करने के लिए जब आप पावर बटन दबाएंगे तो देख लीजिए आपका वॉलपेपर चेंज रहेगा। देख लीजिए अभी ये वॉलपेपर आ रहा है, और मैं फिर लॉक करता हूँ तो मैं फिर अनलॉक करने के लिए पावर बटन दबाऊंगा तो दूसरा वॉलपेपर आएगा। देख लीजिए आ गया। तो इस तरह से आप भी अपने रेडमी मोबाइल में सेटिंग कर करके आप अपने रेडमी मोबाइल में भी ऑटोमेटिकली वॉलपेपर चेंज सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।